वेलकम जी। ये हमारे कुंवर बाली जी हैं, ये बोधराज बाली जो मिनिस्टर रहे हैं उनके ग्रैंडसन। थोड़ा क्या करना जी, अनाउंस कर दे जाए ना, क्या करिए सारे पास को हमारी लिस्ट दे देंगे ना। हाँ, और ये अपना नाम बोलते जा रहे ना, नाम विजय। वेलकम। और मोस्ट वेलकम। और नहीं है यार पायदा रखो, थोड़ी देर भी इकट्ठा फोटो भी हो जाएगा ना एक साल। वेरी गुड, आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम। देखिए आज दर्जनों की तादाद में जम्मू के कुछ प्रोमिनेंट नोटेबल्स पैंथर्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कुंवर बाली जी की अध्यक्षता में जो बोधराज बाली जी के ग्रैंडसन हैं और जिनकी फैमिली का पब्लिक सर्विस में एक बहुत बड़ा रोल रहा है, आज हम इनका यहाँ पार्टी के अंदर वेलकम करते हैं। इनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और हम जम्मू के तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि रीजनल पार्टी ही जम्मू के लोगों की समस्या का समाधान है। आज पूरे मुल्क के अंदर एक ट्रेंड बना है कि रीजनल पार्टी ही स्थानीय समस्याओं का बेहतर समाधान कर सकती है और पैंथर्स पार्टी जम्मू के लिए लड़ाई जो लड़ रही है वो तमाम आवाम के सामने है। एक एक मुद्दे के ऊपर पैंथर्स पार्टी ने जम्मू के लोगों की तर्जुमानी की है, जम्मू के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी है, दिल्ली में जाकर लड़ी, कश्मीर में जाकर लड़ी, जम्मू में जो है लगातार जो प्रेसिंग इश्यूज हैं जम्मू के उनको बार बार उभार रही है और जो एक निराशा इस दौर में लोगों को ही है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है चाहे वो कांग्रेस है, जिन्होंने लोगों के वोट हासिल करके लोगों के साथ विश्वासघात किया। भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें मिलने के बावजूद भी जम्मू की मुकम्मल तरीके से अपेक्षा हुई, जम्मू के डेवलपमेंट के काम बीजेपी के दौर में पूरे तरीके से ठप हो गए। जहां डेवलपमेंट ने सफर किया वहीं जम्मू की प्राइड को भी बीजेपी की हुकूमत में एक गहरा आघात पहुंचा। महाराजा हरि सिंह जी की जन्मदिन की छुट्टी तक नहीं करवा पाए 25 लोग, 25 एमएलए बनाए गए, मेंबर पार्लियामेंट बनाए गए, दिल्ली में हुकूमत इनकी बनी, जम्मू कश्मीर में बनी, लेकिन छोटे छोटे मसलों का समाधान नहीं हो पाया। जम्मू को अगर कुछ मिला है तो टोल प्लाजाज मिले हैं, मंदिरों के शहर को भारतीय जनता पार्टी ने टोल प्लाजा का शहर बना दिया और जम्मू के लोगों के जज्बात के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक विश्वासघात किया है
उसका सिला इसको मिलेगा और पैंथर्स पार्टी एक विकल्प के तौर पर आज की तारीख में उभर रही है। हमें तमाम लोगों का समर्थन चाहिए, सहयोग चाहिए और आज कुंवर बाली जी और इनकी तमाम टीम का पैंथर्स पार्टी में हम स्वागत करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि ये पूरे जोर शोर के साथ इस पैंथर्स पार्टी को आगे ले जाएंगे और जम्मू के हक और इंसाफ की लड़ाई में पूरा सहयोग करेंगे। कुंवर बाली जी आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रेसिडेंट अपने हर्षदेव सिंह साहब जी का बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस पार्टी में शामिल हूँ। मुझे इन्होंने बुलाया, मेरी डिस्कशन हुई, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी आज यहाँ पर हम यहाँ पर आए हैं, हमने ज्वाइन किया है। मैं ये कहता हूँ कि केवल जम्मू में एक ही पार्टी है, पैंथर पार्टी, जो आज दिन तक जम्मू के हक के लिए लड़ती आई है और बोलती आई है। आज दिन तक हमारी कोई भी पार्टी, जितनी भी पार्टीज हैं, किसी पार्टीज ने जम्मू के हक के लिए लड़ाई नहीं की। केवल हर्षदेव सिंह साहब ने ही लड़ाई की और मैं असेंबली में भी देखता था कि हर्षदेव सिंह साहब किस तरीके से अपनी बातें रखते थे। तो मैं हालांकि मैं तो छोटा था, मुझे इतना पता नहीं, लेकिन सुनने में अपने बुजुर्गों से आया कि भीम सिंह साहब ने बहुत ही ज़्यादा जम्मू के हक की बात की है। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि मैं जिस तरीके से यहाँ पर आया हूँ, हमारे जितने भी लोग हैं सब एक से एक कंधे के साथ कंधा मिलाकर इस पैंथर पार्टी के पार्टी में शामिल हों और इस पार्टी को और मजबूती दें ताकि हम सब आगे और अपना काम अच्छे तरीके से। पैंथर पार्टी जिंदाबाद, पैंथर पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पैंथर पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की।